वेट कर रही हूँ और इस दीवार को देख रही हूँ। समय कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ये दीवार मैंने पिछले दिवाली पे डेकोरेट किया था और आपके साथ वीडियो शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि मुझे इस तरह का प्लेन वॉल बेहद पसंद है ताकि मैं समय समय पे उसके डेकोर को चेंज कर सकूं। तो दिवाली तो बीत चुकी और अब होली आने वाला है तो सोच रही हूँ इस दीवार को एक नया लुक दिया जाए। क्या करूंगी कैसे करूंगी ये सोच के आपको बताती हूँ। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो आज के प्रोडक्टिव थर्सडे एपिसोड में जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने घर के बाहर वाले एरिया को होली थीम से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नीचे दी गई घंटी को बजाना ना भूलें। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं डेकोरेट करने वाली हूँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं पेपर फैंस वाले फ्लावर्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने इस तरह का पोस्टर पेपर्स जो आता है जिसकी की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये मैंने फ्लोरोसेंट कलर्स में लिए हैं। और ये पहले मैं मेजरमेंट ले लूँगी बड़े वाले फ्लावर्स के लिए, तो बड़े फ्लावर्स के लिए मैंने 19 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस रखा है और इसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। और ये देखिए ये जो एजेस हैं इनको बहुत शार्पली फोल्ड करने से इसका जो कट है नाइफ़ की मदद से बहुत स्मूथ आता है। तो मैंने इसे काट लिया है और इस तरह से तीन बार फोल्ड करूँगी और तीन बार फोल्ड करने के बाद मुझे इस तरह के चार पीसेस मिलेंगे इक्वल साइजेस के। और इन चारों पीसेस को मैं फर्दर दो पीसेस में डिवाइड करूँगी इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, तो टोटल मुझे 8 पीसेस मिलेंगे। ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा थिक है और थिक पेपर को फोल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो जितने छोटे छोटे पीसेस मैं लूँगी फोल्ड उतना ही नीट आएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है और इसके बाद फिर से एक और फोल्ड करूँगी और उसके बाद एक और फोल्ड। तो जितना नैरो फोल्ड्स करेंगी आप उतना ही पेपर फैन जो है फ्लावर्स जो है वो सुंदर बनकर निकलेंगे। तो इस तरीके से इन चारों को मैं फोल्ड कर लूँगी ये देखिए, और फिर फोल्ड्स करूँगी अप एंड डाउन इस तरीके से। तो चूँकि मैंने पहले से फोल्ड्स बना लिए थे तो इसलिए इस तरह से अपसाइड डाउन फोल्ड्स बनाना ईजी हो रहा है क्योंकि मार्किंग्स पड़ गए थे। तो ये देखिए ये बन गया और आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये कितना थिक पेपर है। तो इस तरीके से मैंने 8 पीसेस बना लिए और उसके बाद इस तरीके से बीच से फोल्ड कर लूँगी। ध्यान रहे कि बाहरी हिस्सा दोनों बराबर से फोल्ड हो ताकि ऊपर नीचे ना हो और जो फ्लावर बने उसका गुलाई बिल्कुल परफेक्ट हो। और उसके बाद ग्लू गन की मदद से इन दोनों को मैं इस तरीके से चिपका दूँगी। तो ये 8 फैंस बनके तैयार हो गए हैं। अब इनके साइड्स में वापस ग्लू गन लगा के इनको एक साथ चिपका दूंगी। और फिर इस तरह का एक सर्कुलर पीस काट कर दोनों तरफ ऊपर और नीचे चिपका दूंगी। आप चाहें तो सेम कलर भी यूज़ कर सकती हैं या फिर कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज़ कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने छोटे फ्लावर्स के लिए 15 सेंटीमीटर डाया का पीसेस काट कर रखा है और ये देखिए दोनों तरफ छोटे छोटे फ्लावर्स तैयार हुए हैं और बीच में 19 इंचेस वाले बड़े फ्लावर्स बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं बाहर के एंट्रेंस के पास का जगह इस तरह से खाली कर रही हूँ, इसे साफ़ कर लूँगी और ये जो मैट है इसे मैं पहले धो लूँगी जेट स्प्रे की मदद से और फिर इसे कुछ देर लटका कर रख दूंगी ताकि सारा पानी ड्रेन आउट हो जाए। और तब तक बाहर का ये जो पिक्चर फ्रेम है इसे निकाल कर मैं यहाँ पर फैन वाले फ्लावर्स लगाऊंगी इस तरह के डबल साइडेड टेप की मदद से।
और ये होली के रंगों से सुशोभित ये दीवार तैयार हो गया। नेक्स्ट मैंने ये बर्ड्स ड्रॉ किए हैं और उनको आउटलाइन से कट कर लिया है। आप चाहें तो बटरफ्लाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर ये कमांड हुक की मदद से मैं नीचे एक पैटर्न बनाऊंगी। वहाँ पे 5 हुक इस तरफ और 5 हुक राइट हैंड साइड में। तो ये देखिए, वुल की मदद से मैं ये स्ट्रिंग्स बना रही हूँ इस तरीके से। और ये कमांड हुक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। और अब इन चिड़ियों के पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर इसे भी दीवार पे लगा दूंगी। और मैंने चिड़ियों की आँख नहीं बनाई थी, तो ब्लैक स्केच पेन से आँख बना रही हूँ और रेड स्केच पेन से इनका चोंच बना रही हूँ। और अब आती हूँ इस तरफ दरवाजे के पास, जो कलश, स्वास्तिक और दिया लगा हुआ है। तो स्वास्तिक को होली थीम से बनाने के लिए मैंने क्रेयॉन से इस तरह का स्वास्तिक बनाया। और जो स्प्लैश है उसके लिए मैंने इस तरह का बिंदी, सबसे पहले किसी भी पेपर पे चिपका लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद जितना बड़ा स्प्लैश आपको बनाना है उतना बड़ा आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद मैं इस पे फ्री हैंड स्प्लैश ड्रॉ कर लूँगी। और अब रेड पोस्टर कलर्स यूज़ करते हुए इसे रेड कलर में पेंट कर दूंगी। और ये स्प्लैश बन के तैयार हो गया। इसे मैंने स्वास्तिक के ऊपर इस तरह से चिपका दिया है। और दिया और कलश के लिए मैंने ये प्रिंटआउट्स निकाले हैं, लेकिन चूंकि कलर थोड़ा सा लाइट है, इन्हें मैं स्केच पेन और इस तरह के जेल वाले हाइलाइटर्स से डार्क कर रही हूँ। चूंकि अवसर होली का है, इसलिए दिए की जगह मैं ये होलिका दहन वाला पिक्चर कलर कर रही हूँ। हर पर्व त्यौहार में हमारे यहाँ स्वास्तिक, दिया और कलश शुभ माना जाता है। सिर्फ इनका रूप बदल गया है। दिवाली के समय हमने कुछ डार्क, ब्राइट, चमकीले कलर्स यूज़ किए थे और होली के लिए हमने वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किया है। तो इसे मैं यहाँ पर लगा दूँगी अपने दरवाजे के बिल्कुल बगल में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पिक्चर फ्रेम तैयार हो गया और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। और अब इन गमलों को भी मैं रंग दूंगी और इस पे मैंने इस तरह का डिफरेंट कलर वाला टैसल्स लगाया है। और कुछ और प्लांट्स मैंने यहाँ रखे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी जगह को अगर सजाना है तो सिर्फ आप वहाँ कुछ पौधे रख दीजिए, जगह अपने आप सज जाता है। और अब मैं आपको इस दीवार का फाइनल लुक दिखा रही हूँ बेस्ड ऑन होली थीम, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और मेरा मानना है कि सजावट ऐसा हो जो कि सिंपल हो, सुंदर हो और पॉकेट पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े। और सबसे ज़रूरी बात कि आने जाने में किसी तरह का भी रुकावट ना आए। ये एक किनारे दीवार पे टंगा हुआ है और सुंदर लग रहा है। होली आने वाली है, आप ये टिप्स और आइडियाज यूज कर सकती हैं। और अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा हो तो इसे एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।